नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बिल्डरों द्वारा जब कॉलोनी काटी और मल्टी बनाई जाती है तब ईडब्ल्यूएस के लिए प्लॉट मकान रखने का प्रावधान है, लेकिन आप ये देखने में आ रहा है कि निम्न आर्य वर्ग वाले ईडब्ल्यूएस आवास खरीदने में परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर का कहना है कि नगर निगम द्वारा ये बात बार बार उठाई जाती है कि ईडब्ल्यूएस का नियम खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी है कि हम ईडब्ल्यूएस के आवास पर भी ध्यान दें। नियमानुसार ईडब्ल्यूएस की रजिस्ट्री होना की अनिवार्यता थी वो खत्म कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस भी ज़रूरी है और इसका भी प्रावधान है, सरकार के नियम अनुसार आवंटन किया जाता है और नियमों में कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक लगातार एक मांग आती रहती है कि ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता को ख़त्म किया जाए, जैसे कि नगर निगम में है, लेकिन ईडब्ल्यूएस बहुत आवश्यक हैं और इस हेतु ये ज़रूर है कि कंप्लीशन के लिए हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो पहले रजिस्ट्री अनिवार्य थी उसको हमने ज़रूर ख़त्म किया है, लेकिन उसके जगह पर इनको जो उसकी लिस्ट है ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों की वो अप्रूव करानी पड़ती है और उसके बाद में जो प्लॉट्स है मॉर्गेज वाले तभी छूटेंगे जब सारे के सारे वो आवंटित कर दिए जाएंगे। चूंकि बहुत आवश्यक है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी हमारे प्रावधान हों, इसके लिए नियमों में मुझे नहीं लगता कोई संशोधन की आवश्यकता है और जैसा आपने बताया कि इसके लिए सरकार के नियम स्पष्ट हैं, उन्हीं का पालन करते हुए ईडब्ल्यूएस का आवंटन किया जाता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।